नमस्कार है जी सभी दोस्तों को, आदाब सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों। तो भाई जैसे कि कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई लकवे का देसी इलाज बताइए, तो भाई आज लकवे का देसी इलाज जो भी हमारे पास है हम आपको बताएंगे। दो लकवे के इलाज है अपने पास देसी, मैं दोनों ही इस वीडियो के अंदर बनाऊँगा। वीडियो को भाई पूरा लास्ट तक देखें, बने रहें वीडियो में। जो भी बेनिफिट होंगे देसी चीज़ के वो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे भाई, जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल रवि भाई पिजन ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि और भी भाइयों का भला हो सके। जो भाई हमारे अनजान हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है तो उन तक भी ये वीडियो हमारी पहुँचनी चाहिए। तो मेरे भाई, जो लकवे का इलाज है, देसी जो इलाज है, उसमें आपको लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी। लहसुन तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लहसुन उसमें बताने वाली समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे भाई, लहसुन जो है कबूतरों के लिए क्या इंसानों के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा काम करता है लहसुन। और लहसुन के जो गुण हैं भाई, वैसे तासीर में तो गर्म होता है और खुश्क भी होता है। और मेरे भाई इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी और एंटी फंगल, ये तीनों चीज़ इसके अंदर होती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कबूतर के पोटे में एक कपास टाइप की जम जाती है, फंगस टाइप में, तो उसको भी ये काटता है। दूसरा, खून को पतला करता है और जो गंदे बैक्टीरियाज कबूतर के अंदर पैदा होते हैं उसको भी ये ख़त्म करता है। और मेरे भाई एंटीबायोटिक का भी काम करता है, ठीक है जी। अगर आप अपने कबूतरों में लगातार लहसुन का इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार का मतलब ये नहीं है कि रोज़ करते रहेंगे, लगातार में ये लगा लो कि हफ्ते में आप एक बार लहसुन का जो है पानी यूज़ कर सकते हो। अब उसका करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपने 4-5 कलियां लहसुन की ले ली, और लहसुन की कलियां लेने के बाद आप उसमें करीब करीब 2 लीटर पानी में 4-5 कलियां पीस के पेस्ट बना के वो डालें। दाना खिलाने के बाद कबूतरों को वो पिलाएँ हफ्ते में एक बार, और भाई धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके कबूतरों में एक अलग सी चमक होगी और बीटें भी अच्छी हो जाएंगी कबूतरों की। और जैसे कि कबूतर कई बार पोट जाम कर लेते हैं, वो शिकायत भी नहीं आएगी, ना ही फंगस जैसे कपास टाइप में बन जाती है ना ही वो बनेगी, और कबूतरों में एक चमक अलग ही होगी, अच्छी मतलब अलग ही वैरायटी कबूतरों में दिखाई देगी कि हाँ कबूतरों में कुछ है असर, और बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। और धीरे 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 आप देखोगे कि आपके कबूतरों में जो बीट करेंगे, बीटों में कीड़े भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो कीड़ों की दवाई लगाते हो वो धीरे धीरे दवाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लहसुन का इतना ये फ़ायदा है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई लकवे का जो इलाज है, भाई ने पूछा लकवे का इलाज। तो मेरे भाई, लकवे का जो इलाज है, आपको जैसे कि कोई कबूतर लकवे के अंदर आ जाता है, जब नया ही कबूतर आता है, ये पुराने लकवे के लिए नहीं है। देखो, मैंने पुराने लकवे के लिए कभी अजमाया नहीं है, नए लकवे में मैंने अजमाया हुआ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है लकवे के ऊपर, वो इंग्लिश मेडिसिन के ऊपर है, इंग्लिश मेडिसिन है। बाकी मैं इंग्लिश मेडिसिन को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर देसी जो भी इलाज होते हैं, देसी ट्रीटमेंट ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और देसी इलाज के पीछे ही मैं ज़्यादा लगा रहता हूँ। तो मेरे भाई, आपको ये लगा लो कि कम से भी कम अगर आपके पास एक कबूतर लकवे के अंदर आया है, तो उसके लिए आपको 20 कलियाँ लहसुन की लेनी है छील कर। लहसुन की 20 कली छील लें और छील के उनको रखें एक साइड। प्लस आपको एक कप लेना है, कप ले लें या कोई कांच का गिलास ले लें या कांच की कटोरी ले लें। मतलब कहने का यह है कि कोई स्टील या कोई तांबा, पीतल, कोई धातु वाली कोई भी मतलब बर्तन यूज़ ना करें अपना। कप वगैरह या कांच के किसी भी बर्तन में आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसके अंदर 100 ग्राम तिल का तेल लेना होगा। 100 ग्राम तिल का तेल उस कप के अंदर डाल दीजिए आप। और भाई, वो जो 20 कलियां आपने छील के रखी हैं, वो 20 कलियां भी उसी तेल के अंदर डाल दीजिए जो कप में आपने तेल लिया है। और उसको करना क्या है कि सुबह उस तेल को धूप में रख दें, लहसुन को, जो लहसुन जो भीगा हुआ है तेल के अंदर, उसको धूप में रखें और पूरे दिन धूप में रखा रहने दें। शाम को उसको उठा के छाया में कर लें। तो जब तक ये कोर्स आपका चलेगा तब तक उस लहसुन को उसमें रखना है। अब इसका करना क्या है, आपको इसके अंदर से सुबह एक कली निकालनी, और निकालने के बाद उस कली के 4-5 टुकड़े कैंची से काट लें, 4-5 टुकड़े कर लें। साबुत नहीं देनी है कबूतर को, अगर साबुत दोगे तो उसको हजम करने में थोड़ी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो उसकी 4-5 कलियाँ आप कर लें,
चार पांच कली करके, और वो एक कली जो है पूरी की पूरी टुकड़े करने के बाद जो टुकड़े बनेंगे, जितने भी चार पांच टुकड़े बनते हैं, वो टुकड़े आप कबूतर को हाथ से खिला दें। ठीक है जी। अब ऐसे ही आपको शाम को भी यही करना है, एक कली शाम को भी चार पांच कलियां, चार पांच टुकड़े करके और उसको भी हाथ से खिला दें। और मेरे भाई इसके साथ में आपको चने भी लेने होंगे, भीगे हुए चने ले लें, सुबह भिगो दें, शाम को पहले 10 चने हाथ से उसको खिला दें भीगे हुए चने, और फिर उसके बाद लहसुन की कली खिला दें। तो मेरे भाई ये आपको जो करना होगा कम से कम 10 दिन करना होगा। ठीक है, 10 दिन आपको ये करना है। आप देखोगे कि आपका कबूतर 10 दिन के अंदर 70% ठीक हो चुका होगा। फिर भी उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम और आगे कोर्स करना चाहते हैं, तो आप 5 दिन का कोर्स और कर लीजिए, 15 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। चाहे वो लकवा हिलने वाला हो, चाहे वो गर्दन घुमाने वाला हो, चाहे किसी भी तरह का लकवा हो, तो वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा 15 दिन के अंदर कबूतर। एक बार अजमा के देखें इस नुस्खे को, बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, मज़ा आ जाएगा जो भी भाई करेगा। और भाई इसके बाद दूसरा जो नुस्खा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा नुस्खा भी लहसुन के ही ऊपर है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको एक कली लेनी लहसुन की और एक चने के बराबर पुराना गुड़ लेना है। उस चने के बराबर गुड़ के अंदर आपको लहसुन को छीलने के बाद में उसका पेस्ट बनाना है, और गुड़ के साथ उसको रगड़ाई कर लें, और रगड़ाई करके उसकी दो गोलियां बनेंगी। ठीक है, अभी ये मैं आपको दो गोलियों के हिसाब से बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप इसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपको बनानी है, जितनी जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप उतनी बना सकते हो। दो बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, वो आपको उस हिसाब से बना लेनी है। मैं एक लहसुन में दो गोलियां बनेंगी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक लहसुन लेना है, चने बराबर पुराना गुड़ लेना है, रगड़ाई मार के उसमें दो गोलियां बना लें। दो गोलियां बनने के बाद एक गोली कबूतर को दिन में दें, किसी भी टाइम दें, और लगातार इसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, पर यह है कि कबूतर इसमें भी जल्दी ठीक हो जाता है, इसमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा। और भाई ये आप दोगे कम से भी कम महीना भर आपको देनी पड़ेगी ये दवाई, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप कबूतर को खिलाओगे दाना करीब करीब हफ्ता या 10 दिन आपको हाथ से खिलाना पड़ेगा, हाथ से। उसके बाद धीरे धीरे कबूतर अपने आप चुगना शुरू कर देगा। जब वो कबूतर अपने आप चुगना शुरू कर देगा तो उसके बाद आप इसको गोली, एक गोली रोज देते रहें, बना के रख लें, ख़राब नहीं होती है, बस पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप पानी ऐड करोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, पानी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, लहसुन और गुड़ ही ऐड करना है। मिला के उनकी जो भी गोली बनती है एक शीशी में बना के रख लें, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम लगता है दाना देते हो उस टाइम में आप कबूतर को वो गोली दे सकते हो। तो उससे भी आप करीब करीब 20-25 से या 30 दिन के अंदर अंदर देखोगे कि आपका कबूतर बिल्कुल सीधा हो चुका होगा। वैसे दाना स्टार्ट खाना शुरू कर देता है, एक हफ्ते के अंदर दाना खाना शुरू कर देगा कबूतर। तो मेरे भाई जो भी भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई देसी नुस्खा बताइए, तो भाई देसी नुस्खा हमने आपको बता दिया है। लकवे का दोनों ही इलाज, लकवे के जो मैंने बताए हैं दोनों ही कारगर हैं। और मेरे भाई ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहें हमारे चैनल यूट्यूब रवि भाई पिजन ज्ञान के साथ। तो मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें, आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और धीरे धीरे भाई आपको जो कबूतरों की परवाज के लिए पानी वगैरह हैं, या जो मेडिसिन वगैरह लोग बाग यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो हम आपको भी शेयर करेंगे। आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल में जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है।